हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द चैप्टर कॉल्ड एक्सप्रेशन नास मॉड्यूलेशन। इसमें हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था आपको याद है, आइटर फिल्ट्रेशन हम पढ़ चुके हैं। वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक कॉल्ड यूरिन फॉर्मेशन। सो फर्स्ट स्टेप वी कंप्लीट इन द लास्ट वीडियो। नाउ द सेकंड स्टेप इन द यूरिन फॉर्मेशन इज नोन एज सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन। क्या है बच्चों, ये होगा सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन। सो व्हाट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, वी ऑलरेडी स्टडीड। आप लोग प्लीज पिछला वाला वीडियो अच्छे से देखना है, आपको पता चलेगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हमने क्या क्या करा था। देखिए यहाँ पे नजर रखिएगा प्लीज। तो ये देखिए, ये हो गया आपका बोमैन कैप्सूल, राइट। यहाँ पे मैंने कर दिया है अल्ट्रा फिल्टर के लिए, ये ट्यूबवेल मैंने यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे आपको मिलेगा अल्ट्रा फिल्टर। तो बच्चों अल्ट्रा फिल्टर में क्या क्या होगा, देखिए यहाँ पे सबसे पहली चीज आपको लिखना है वॉटर, ठीक है ना। इसमें यूरिया बहुत सारा है, इसमें सॉल्ट्स है, राइट, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेट है ना। इसके बाद आप देखना इसमें क्या है, इसमें ग्लूकोज भी है, इसमें अमीनो एसिड्स भी है, इसमें बाइकार्बोनेट आयंस भी है, सब बातें आपको इसमें मिल जाएगी। तो क्या है, यहां से तो बन के निकल जाएगा ये सब यूरिन। तो क्या हम इस यूरिन में से ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, इतना सारा सॉल्ट, इतना सारा पानी, ये बाइकार्बोनेट आयन से, कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन से, जैसे विटामिन सी होता है वाटर सोल्युबल, तो क्या ये सब विटामिन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सॉल्ट, कुछ यूरिया, वाटर, बाइकार्बोनिक एसिड्स एंड ऑल, ये सब बाइकार्बोनेट से, तो ये सब के सब हम यूरिन में से पास नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे बॉडी के लिए जरूरी है, इसेंशियल है। तो हमें क्या करना है, इन सब चीजों को हमें बॉडी में वापस डालना पड़ेगा। हम इसको पूरा बॉडी के बाहर नहीं डाल सकते, तो इसका मतलब ये ग्लूकोज को हमें वापस लाना है, कुछ सॉल्ट्स को लाना है, कुछ अमीनो एसिड्स को लाना है, वाटर को लाना है, विटामिन सी को लाना है, इस तरह से इन सब चीजों को हमें सिलेक्ट कर करके हमारे बॉडी में वापस लाना है, ठीक है ना। कहां से, नेफ्रॉन से। तो इनको सिलेक्ट करके लाना है, इसलिए इसको मैंने बोल दिया सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन, इसको वापस लाना है, क्योंकि दिस इज एसेंशियल टू आवर बॉडी, या हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है, हम इसको एक्सक्रीट नहीं कर सकते। जो एक्सक्रीट करने वाली बात है वो यूरिया वाली होती है, पर थोड़ा बहुत यूरिया भी हमें रीएब्सॉर्ब करना पड़ेगा, वाटर को भी बहुत सारा रीएब्सॉर्ब करना पड़ेगा, सॉल्ट्स को रीएब्सॉर्ब करना पड़ेगा, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सबको रीएब्सॉर्ब हमें करना है। ये होता है हमारा सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन। तो व्हाट इज द डेफिनेशन, रीएब्सॉर्प्शन ऑफ दोस सब्सटेंसेस व्हिच आर एसेंशियल टू द बॉडी is known as selective reabsorption, from filtrate back into the body, back into the blood. Filtrate में से blood में वापस डालना है, इसको मैं बोलूँगा selective reabsorption, ठीक है। तो चलिए दूसरे diagram से हम इसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो nephron का diagram बच्चों मैं हमेशा बनाते आता हूँ, उस diagram से हम इसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो चलिए यहाँ पे आपका है ये Bowman capsule का पूरा structure, सब लोगों को बताएं, ठीक है। तो चलो यहाँ पे आपको मिलेगा convolutions, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बोला था ये कन्वोल्यूशन होना क्यों जरूरी होता है, ये लेम है, ठीक है ना, हैंडलेस लूप होता है, लंबा है पर इतना हमारे लिए काफी है, ठीक है। तो चलो ये देखिए, हैंडलेस लूप का हेयरपिन बेंड होता है, थोड़ा ऊपर आके यहाँ पे आपको वापस एक थिक सेगमेंट मिलता है, जिसका एपिथेलियम भी थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे वापस आपको मिलेगा कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, और ये कनेक्ट हो जाते हैं हमारे कलेक्टिंग डक्ट्स में, और फिर ये बन जाते हैं डक्ट ऑफ बेलिनी में, और यहाँ पे ये ऊपर रहता है पैपिला के अंदर, ठीक है, पैपिला के अंदर, यहाँ से बच्चे बनेगा यूरिन, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे बनेगा यूरिन, ड्रॉप बाय ड्रॉप बनते हैं, उसका रेट हमने देखा है। तो ये वो बन गया हमारा नेफ्रॉन, राइट। तो चलो हम इसमें क्या पढ़ेंगे नेफ्रॉन में, अभी आपको देखना है कि नेफ्रॉन में मुझे क्या क्या बताना है। तो इसमें हम देखेंगे बच्चों ये क्या है, इसमें से क्या पास हो रहा था बताइए, इसमें से जो चीज पास थी उसको हम फिर फिल्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है, ये फिल्ट्रेट है। तो ये पार्ट कौन सा है, दिस पार्ट इज गोइंग टू बी व्हाट, चलो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, दिस पार्ट इज पीसीटी, दिस पार्ट इज व्हाट, बीसीटी। ये जो पूरा पार्ट आपको लग रहा है बच्चों, दिस इज हैंडलेस लूप, ठीक है, चलो हैंडलेस लूप बोलते हैं, लूप ऑफ हैंडलेस को बोल सकते हैं। ये उसका डिसेंडिंग लिम है, तो ये असेंडिंग थिन वॉल्ड है या असेंडिंग थिक वॉल्ड है। ये मिल गया आपको कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, ये कलेक्टिंग डक्ट हो जाएगा, डक्ट ऑफ बेलिनी, और ये होता है रेनल पैपिला, ठीक है। ये डायग्राम हमने पहले देख चुके, इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो हमें क्या पढ़ना है, अभी यहां से हम लोग पहले भी ये सब बातें डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रोसेस होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का, ठीक है। ये देखिए, ये होता है एफरेंट एंड इफरेंट एटीओल्स,
इसके अंदर क्या है बच्चों, ये ग्लोमेरुलस है, ये भी मैंने आपको पहले ही बोल दिया, दिस इज नथिंग बट द ग्लोमेरुलस, राइट। तो ये पूरा स्ट्रक्चर, इसमें से फिल्ट्रेट हमारा पास हो रहा है जो आगे जाके यूरिन बनेगा। बट यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास है जिसको हमें रिएब्सॉर्ब करना है, इसको एक्सक्रीट नहीं करना है। वो क्या क्या है मैं बताऊंगा आपको। तो यहां से वॉटर, देखिए अच्छे से देखिए प्लीज, अलग कलर का इस्तेमाल कीजिए, आपको समझ में आएगा। जो वॉटर है यहाँ पे रिएब्सॉर्ब होगा, कितना पता आपको वॉटर कितना रिएब्सॉर्ब होगा बच्चों, अराउंड 75%। तो पीसीटी में से 75% वाटर रिएब्सॉर्ब करके ब्लड में जाएगा, ठीक है ना। तो ये रिएब्सॉर्ब हो गया पे, और क्या होगा दूसरी जो चीज है वो होते हैं सॉल्ट्स। कितना सॉल्ट्स, 70% सॉल्ट्स। इसमें से पानी 75% रिएब्सॉर्ब हो जाएगा, सॉल्ट 70% रिएब्सॉर्ब होगा। नॉट ओनली दिस, यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए, इस जगह पे देखिए, मैंने लिखा है पे ग्लूकोज कितना 99%, ठीक है। आइए नीचे आइए, यहाँ पे देखिए अमीनो एसिड्स कितना 99%। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो पूरा का पूरा ग्लूकोज और अमीनो एसिड है बच्चों, ये पूरा रिएब्सॉर्ब हो जाता है। ऐसे सब्सटेंसेस को मैं बोलूंगा हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस, जिनका पूरा रिएब्सॉर्प्शन हो जाता है। जिनका बिल्कुल भी रिएब्सॉर्प्शन नहीं होता उनको मैं बोलूंगा नो थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस। जिनका ऑप्टिमम होता है, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में होता है, उनको बोला जाता है लो, LOW, लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस, ठीक है। तो ये हमारे हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस है। नॉट ओनली दिस, यहां से हमने रिएब्सॉर्ब करना है विटामिन सी को, देखिए मैंने बाहर वाला एरो कर दिया, इसका मतलब है रिएब्सॉर्ब होंगे, क्योंकि कुछ एरो मुझे अंदर भी करने हैं, दैट इज गोइंग टू बी ट्यूबुलर सिक्रीशन, और लास्ट वाला स्टेप रहेगा, हम इसमें रिएब्सॉर्प्शन की बात करेंगे। कुछ बाइकार्बोनेट एसिड से बच्चों, देखिए बाइकार्बोनेट से राइट, इनको भी रिएब्सॉर्ब किया जाएगा। तो Na+ हो गया, K+ हो गया, ये सब के सब सब्सटेंसेस आपको पीसीटी में सिलेक्टिवली रिएब्सॉर्ब होते हुए दिखेंगे, ठीक है। इनमें रिएब्सॉर्प्शन के दो टाइप आपको करना है, टाइप नंबर वन इज एक्टिव रिएब्सॉर्प्शन एंड टाइप नंबर टू इज पैसिव रिएब्सॉर्प्शन। तो ये क्या होता है भाई, एक्टिव एंड पैसिव रिएब्सॉर्प्शन सबको पता है। एक्टिव का मतलब आपको इसमें एनर्जी लगना है, एटीपी का इस्तेमाल करना है, पैसिव में ये चीज करने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज और अमीनो एसिड है, शॉर्टकट में बताऊंगा मैं आपके दिमाग में याद रखने के लिए, सो द ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स आर एक्चुअली रिएब्सॉर्ब, या तो फिर इतना बोलिए those substances which are very essential to the body पर actually reabsorb। पानी जो है बच्चों बहुत सारे salt जो passive reabsorption होता है इसमें, और हमारे पास reabsorption के लिए इसके अंदर क्या था बच्चों, microvilli वाला एक हमारे पास structure था। if you remember हमने पहले diagram बनाया था, ये microvilli है, इसका जो PCT का cell होता है cuboidal cell है, और ये microvilli है बच्चों। माइक्रोविलाई क्या करता है, यू रिमेम्बर, इट इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो इसका मतलब ये पीसीटी के अंदर ये सेल क्यूबॉइडल सेल, याद है आपको क्यूबल एक्सरे क्यूबॉइडल सेल होता है, बहुत ज्यादा माइक्रोविलाई होती है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा रिएब्सॉर्प्शन होता है। आप इतना याद रखेंगे पूरे पीसीटी में कितना रिएब्सॉर्प्शन हो सकता है, इन द पीसीटी अराउंड 70% ऑफ रीएब्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस। देखा जाएगा तो 70 to 80 लिख दीजिए, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यूज अलग अलग है, बट ज्यादा मैक्सिमम रीएब्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन पीसीटी, ठीक है ना। मैक्सिमम रीएब्सॉर्प्शन पूरा 75% वाटर है, 100% ग्लूकोज अमीनो एसिड से, ये सब रीएब्सॉर्ब हो गया हमारे पीसीटी के अंदर। तो चलिए आगे देखते, ये है हमारा डिसेंडिंग लिंब बच्चों। इसमें सेलुलर स्ट्रक्चर अलग है, माइक्रोविला बहुत कम है, तो इसमें इसमें सिर्फ वाटर का रिएब्सॉर्प्शन होगा। एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि ये जो फ्लूइड यहाँ पे जा रहा है बच्चों, इसको बोला जाता है प्राइमरी यूरिन। यहाँ पे ध्यान देंगे, इसको मैं क्या क्या बोलूंगा, प्राइमरी यूरिन इसको बोला जाएगा। प्राइमरी यूरिन क्यों बोला जाएगा, क्योंकि ये फाइनल यूरिन तो है नहीं अभी तक, इसमें बहुत सारा चीजें ऐड करना है, निकालना है, तब फाइनल यूरिन बनेगा। और इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ये होता है प्लाज्मा के बराबर, हेंस दिस कॉन्सेंट्रेशन इज सेड टू बी आइसोटोनिक। देखिए यहाँ पे आपको स्पेलिंग समझ में आ रहा है, एक एक स्पेलिंग है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब हो गया, मैंने अंदर एरो कर दिया क्योंकि ये फ्लूइड आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक का मतलब बताओ बच्चों, यहाँ पे जो फिल्ट्रेट पास हो रहा है उसका जो सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन है प्लाज्मा के जैसा होता है, जो नॉर्मली 280-290 मिली ऑस्मोल्स होता है, 290 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर, ठीक है, मिली ऑस्मोल्स
पर लीटर इतना होता है प्लाज्मा का सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, 290 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। तो इसका भी 290 है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं आइसोटोनिक, मतलब इसमें जो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज वेरी सिमिलर टू प्लाज्मा। चलो आगे चलेंगे, यहाँ पे अभी आपका जो फिल्टर के पास हो गया जो लुपाफेन में डिसेंडिंग में पास हो गया, तो यहां से 5% वाटर रीएब्सॉर्ब किया जाएगा। परसेंटेज में कितना 5% क्यों, क्योंकि माइक्रोवेलाई कम है। ये देखिए कन्वोल्यूटेड क्यों है, मैंने पहले भी आपको बोल दिया नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में, ये इसलिए कन्वोल्यूटेड है ताकि इसमें से फ्लूड आराम से जाए, स्लोली स्लोली जाएगा। देखिए सीधा रास्ता रहेगा तो जल्दी बांट जाएंगे, बट अगर रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है तो टाइम लगेगा, तो यहाँ पे टाइम लगना चाहिए क्योंकि तभी इसमें से रीएब्सॉर्ब करना पॉसिबल हो सकता है। सर से निकल गया तो रीएब्सॉर्ब टाइम नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर फ्लूड आता है तो जल से यहाँ से नीचे निकल जाएगा, है ना, तो नीचे निकल जाएगा, रीएब्सॉर्ब टाइम कम है तो कितना रीएब्सॉर्ब, 5%। बट इसमें एक गड़बड़ हो गया, ये सिर्फ पानी रीएब्सॉर्ब हो गया बच्चों, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन वैसा ही मेंटेन है, इसलिए इसके अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हो जाएगा हाइपरटोनिक। आगे जाके हमें एक टॉपिक पढ़ना है जो काउंटर करंट मैकेनिज्म करके, उसमें हम जरूर पढ़ेंगे। बट यहाँ का जो फिल्ट्रेट है अभी यूरिन, वो क्या हो गया बच्चों हाइपरटोनिक, क्योंकि देखो पानी रीएब्सॉर्ब हो गया, सॉल्ट तो वैसे ही मेंटेन, इसलिए या तो सॉल्ट भी रीएब्सॉर्ब हो गया, पानी भी हो रहा है, कुछ चीजें ऐड भी होती है टू मेंटेन दिस एज अ आइसोटोनिक। ठीक है, तो चलो आगे जाएंगे, हेनलेस लूप में आगे, ठीक है ना। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कितना हो सकता है, यू नो दैट यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बच्चों 1200 मिली ऑस्मोल्स हो जाता है हेयर पिन बैंड में। हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन आपको मिलेगा हेयर पिन बैंड, ये जो लूप है ना आपका, इसमें तो देखा जाएगा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते बढ़ते जाता है। यहाँ पे देखिए कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे देखिए कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 400, अब नीचे जाएंगे कॉन्सेंट्रेशन 600, नीचे जाइए कॉन्सेंट्रेशन 800, यहाँ देखिए कॉन्सेंट्रेशन 1000, फिर 1200 तक ये मिली ऑस्मोल्स पर लीटर इतना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। ये देखिए कितना था, 290 नॉर्मल था, उससे 3 गुना ज्यादा 4 गुना ज्यादा बढ़ गया, इसलिए मैंने इसको बोला हाइपरटोनिक। बट इतना मेंटेन हमें नहीं करना, ये बैंड में आएगा। तो चलो अभी आगे जाएंगे असेंडिंग लिम की तरफ। असेंडिंग लिम जो होता है वो परमेबल टू सॉल्ट होता है, इनपरमेबल टू वाटर, डिसेंडिंग परमेबल टू वाटर, इनपरमेबल टू सॉल्ट। यहां से क्या परमेबल है, Na+ है, Na+ है, Cl- लिखूंगा, ज्यादातर रीएब्सॉर्प्शन होता है थिक सेगमेंट। देखिए ये सॉल्ट यहाँ पे रीएब्सॉर्ब हो गया, बट यहाँ से पानी रीएब्सॉर्ब नहीं हो पाता, तो इसका मतलब आपको धीरे धीरे ये कॉन्सेंट्रेशन कम होते नजर आएगा। और फाइनली अगर इस जगह पे आप आएंगे तो आपको 300 भी मिल जाएगा और 200 भी चला जाएगा और 100 भी चला जाएगा बच्चों। तो यहां से जो फ्लूड बनेगा इट विल बी हाइपोटोनिक। आई होप आपको समझ में आ रहा है बराबर से, थोड़ा टॉपिक गड़बड़ है, आप ध्यान देखिए, थोड़ा सा देखिएगा, आप मेरे साथ नोट्स बनाइए, वीडियो को 2-3 बार देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि यूरिन फॉर्मेशन कितना सिंपल सा स्टेप है। ठीक है, तो आई एम टॉकिंग अबाउट सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन, हमें बोर्ड्स में याद रखना पड़ता है व्हाट इज रीएब्सॉर्ब इन पीसीटी, व्हाट इज रीएब्सॉर्ब इन डिसेंडिंग लिम, व्हाट इज रीएब्सॉर्ब इन असेंडिंग लिम, व्हाट इज रीएब्सॉर्ब इन पीसीटी, एनसीटी, एनसीडी, इतना याद रखना। ठीक है, तो फ्लूइड बन गया हमारा हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक जो चलेगा नहीं, यूरिन शुड बी हाइपरटोनिक, ये यूरिन जो होता है हाइपरटोनिक होता है, उसका पीएच बहुत ही कम रहेगा। ठीक है, तो चलो यहाँ जाएंगे डीसीटी में क्या रीएब्सॉर्ब होता है। डीसीटी इज द मेन साइट फॉर रीएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, डीसीटी में बच्चों अच्छा खासा वाटर रीएब्सॉर्ब होना है। ठीक है ना, अराउंड 10% वाटर इज रीएब्सॉर्ब इन डीसीटी और सिटी भी। बट इनमें एक चीज का बहुत इंटरेस्टिंग आपको याद रखना है कि डीसीटी और सिटी के अंदर होता है ADH और हमारा एक हार्मोन है बच्चों, उसको बोला जाता है एल्डोस्टेरोन, इनका रिसेप्टर। यहाँ पे किसके एक्शन है ADH की, यहाँ पे किसके एक्शन है एल्डोस्टेरोन की एक्शन है। ठीक है, दो हार्मोन्स आपके पास है, एक का नाम है ADH और दूसरे का नाम है एल्डोस्टेरोन। देखिए इस तरह से, तो ADH क्या करता है, ADH हेल्प्स इन रीएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, ADH वाटर को रीएब्सॉर्ब करेंगे और एल्डोस्टेरोन किसको करेंगे, सॉल्ट्स को रीएब्सॉर्ब करेंगे। आर्गुमेंट में समझो बराबर से, तो ADH बच्चों कहां से आता है, ये तो आया था पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, ADH आया था, और एल्डोस्टेरोन कहां से आता है, एल्डोस्टेरोन आता है एड्रिनल ग्लैंड से। जब इसे इमरजेंसी होगी तो ये सब चीजें अपना काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है,
एडीएच क्या करता है, एडीएच यहाँ पे एक्ट करके ये जो डीसीटी है उनकी सेल्स की परमेबिलिटी बढ़ाता है पानी के लिए, और इसके लिए पानी बाहर रिएब्सॉर्ब हो जाता है। बट ये हमेशा जरूरी नहीं है, ये कंडीशन पे डिपेंड करेगा। अगर वाटर बॉडी में कम है तो एडीएच का सिक्रेशन बढ़ेगा और ज्यादा ज्यादा वाटर रिएब्सॉर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पानी रिएब्सॉर्ब होता है यहाँ पे भी रिएब्सॉर्ब होगा, इस जगह पे जो वाटर का रिएब्सॉर्ब है वो जो इसको बोला जाता है यस ऑब्लिगेटरी, इसको क्या बोला जाता है ऑब्लिगेटरी वाटर रीएब्सॉर्प्शन। प्लीज इस टर्म को याद रखेंगे, नीट के लिए बहुत जरूरी है ऑब्लिगेटरी, ठीक है कंपलसरी। यहाँ पे इतना पानी रीएब्सॉर्ब होना ही होना है, बट यहाँ पे रीएब्सॉर्प्शन के लिए कंडीशन की जरूरत है, और इसको बोला जाता है फैकल्टेटिव ऑप्शनल, ठीक है ना वॉटर रीएब्सॉर्प्शन, ठीक है ना। थोड़ा सा समझ लीजिए मैं कैसे किस तरह से एब्रिविएशन लिखता हूँ, शॉर्टकट्स में लिखता हूँ ताकि लिखने में हमारा टाइम आ जाए। तो देखिए दो बात होगी, ये ऑब्लिगेटरी मतलब कंपलसरी फिजिकली में, और यहाँ पे कंपलसरी नहीं होगा, कंडीशन पे डिपेंड करेगा। पानी ज्यादा है एडीएच की जरूरत नहीं, बॉडी में अगर बहुत सारा पानी है तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बट आपकी बॉडी में पानी में डिहाइड्रेशन होगा तो एडीएच बहुत ज्यादा आएगा, पानी को रिएब्सॉर्ब करेगा, यूरिन फॉर्मेशन कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कंटिन्यूसली आप देखेंगे वॉटर रिएब्सॉर्ब ही होते जाएंगे, कुछ सॉल्ट्स भी यहाँ पे रिएब्सॉर्ब होते हैं। इस जगह से एक रिएब्सॉर्प्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होता है यूरिया का कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में से, और इस यूरिया को ये थिन असेंडिंग लेन में भेजा जाता है। ये सबसे बड़ी चीज आपको नीट के लिए याद रखना है कि यूरिया का रिएब्सॉर्प्शन कहाँ पे होता है, थिन असेंडिंग लेन में होता है। देखिए तो इस तरह से ये जो है हाइपरटोनिक यूरिन आखिरी में बन गया, जिसका पीएच होता है 6.5 to 6.8 एसिडिक पीएच होता है, समझ गए बराबर से। तो ये सिर्फ हमारा टॉपिक है आज का सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन। इसके बाद जो आखिरी वाला टॉपिक है वो रहेगा ट्यूबुलर सिक्रेशन, पर इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करना चाहूंगा। देयर आर थ्री स्टेप्स इन यूरिन फॉर्मेशन, पहली वाली स्टेप हमारी थी अल्ट्राफिल्ट्रेशन, दूसरा स्टेप हमारा सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन, और तीसरा वाला स्टेप हमारा रहेगा ट्यूबुलर सिक्रेशन या फिर एक्टिव सिक्रेशन। हमने अल्ट्राफिल्ट्रेशन पिछले वाले में बहुत अच्छे से आपको समझा के दिया है, ये यहाँ पे मैं बात करूँ सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन की, एक्टिव है पैसिव है, substances which are very essential they are actively reabsorbed, ठीक है ना, या फिर एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड से कुछ सॉल्ट्स है, इस तरह से DCT में ये सब चीजें रिएब्सॉर्ब हो गया, लोपा फैलने में वाटर हो गया, असेंडिंग में सॉल्ट्स हो गए वाटर नहीं जाएगा, हाइपोटोनिक हो गया, यहाँ पे आएंगे डीसीटी में देखिए यहाँ पे वाटर का रिएब्सॉर्प्शन हो गया, इस रिएक्शन को बोला जाता है फैकल्टेटिव वाटर रिएब्सॉर्प्शन, क्योंकि कंपलसरी नहीं है, ये कंडीशन पे डिपेंड करेगा, आपने आपकी बॉडी में कितना पानी उस पर डिपेंड करेगा, और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट में ये जगह पे यूरिया का भी रिएब्सॉर्प्शन आपको याद रखना है, और इस यूरिया को यहाँ पे भी रिएब्सॉर्ब किया जाता है थिन वॉल असेंडिंग लेन में। तो ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप व्हिच इज कॉल्ड सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन। आई होप आपको समझ में आया, प्लीज इस डायग्राम को फॉलो करो, एनसीईआरटी पे मैं डायग्राम